SQL की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद आज हम देखने वाले हैं एक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम बात कर रहे होंगे बैकएंड की एंड Instagram। होप यू हैव वॉच द Instagram रील्स स्कीमा डिस्कशन वीडियो। स्कीमा डिस्कशन वीडियो में हमने बात करी थी एक यूज़र्स टेबल की, ठीक है। यूज़र्स टेबल के कुछ पैरामीटर्स थे, पासवर्ड, प्रोफाइल पिक, आईडी, ईमेल आईडी, फुल नेम। अभी हम एक टेबल क्रिएट करेंगे लाइक यूज़र्स एंड हम 2-3 राउट्स क्रिएट करेंगे लाइक लॉग इन, साइनअप, ठीक है। तो साइनअप राउट से क्या होगा, तुम्हारी इंसर्ट क्वेरी फायर होगी। इंसर्ट क्वेरी क्या करेगी, इंसर्ट करेगी डेटा इन द टेबल यूज़र्स एंड विद द लॉग इन टेबल हम एक सिलेक्ट क्वेरी फायर करेंगे जिससे हम चेक कर रहे होंगे कि इंसर्टेड डेटा पहले से है या नहीं है ऑन द यूज़र्स टेबल। चलो, सो फॉर दैट लेट्स ओपन विजुअल स्टूडियो कोड। मैंने यहाँ पे 2-3 फाइल्स बनाई है। सबसे पहले एक नोड का प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें कुछ डिपेंडेंसीज हैं, bcrypt फॉर इनक्रिप्टिंग पासवर्ड, कोर्स फॉर क्रॉस ओरिजिन पॉलिसीज, एक्सप्रेस जेसन वेब टोकन एंड फॉर द डेटाबेस ऑपरेशंस MySQL, ठीक है। तो सबसे पहले हम MySQL के थ्रू डेटाबेस में कनेक्शन बनाएंगे। लेट्स इम्पोर्ट MySQL फ्रॉम MySQL पैकेज। MySQL पैकेज में हमें एक फंक्शन मिलता है विच इज़ क्रिएट कनेक्शन and which returns the connection object, right? So MySQL dot create connection जिसमें हम सारे पैरामीटर्स पास करेंगे लाइक होस्ट है हमारा लोकल होस्ट। हम यूज़ कर रहे हैं MySQL database, right, which is running on XAMPP एंड विथ सर्वर अपाचे। अपाचे सर्वर के साथ MySQL यूज़ करेंगे। यू हैव टू स्टार्ट अपाचे सर्वर एंड MySQL सर्वर विच इज़ आर डेटाबेस सर्वर एंड जब तुम एडमिन पे टैप करते हो तो तुम्हें मिलता है phpMyAdmin वेर यू कैन गेट योर डेटाबेस, राइट। हमारा होस्ट है लोकल होस्ट। यूज़र हम रूट यूज़र पे काम कर रहे हैं। रूट पासवर्ड मेरा कुछ नहीं है, इन योर केस तुमने पासवर्ड अगर स्पेसिफाई किया तो पासवर्ड होगा। लीविंग इट ब्लैंक एंड डेटाबेस, वी विल क्रिएट ए डेटाबेस कॉल्ड Instagram, राइट। कनेक्शन डॉट कनेक्ट कनेक्शन लेता है एक फंक्शन जिसमें एक है पैरामीटर एरर। अगर इफ देयर इज एन एरर एग्जिस्ट एंड थ्रो एरर, अगर सब कुछ सही रहता है तो लेट्स लॉग डेटाबेस कनेक्टेड तो एक बार केवल इसी फाइल को रन करके देख लेते हैं। node db.js, ये कह रहा है MySQL में MySQL डेटाबेस कनेक्टेड, ठीक है। अब हम एक बार ट्राई करते हैं इंडेक्स से। लेट्स स्टार्ट द सर्वर। सर्वर के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, राइट। लेट्स क्रिएट और हम इम्पोर्ट कर लेते हैं कोर्स फ्रॉम कोर्स एंड app.use। let's create an app, const app। अगर तुम्हें backend की नॉलेज नहीं है you can watch the backend series on the Pepcoding channel, right। अभी हम बनाएंगे एक एक्सप्रेस का इंस्टेंस, then app.listen whose first parameter is the port and second is a function which is called after connecting. So app.listen 8080 and log server is running on the port 8080. ठीक है, लेट्स अलाउ कोर्स क्रॉस ओरिजिन पॉलिसीज. सो कोर्स अलाउ करने के लिए हमने कोर्स नाम का पैकेज इंपोर्ट किया है. सो ऐप डॉट यूज कोर्स एंड कोर्स में हमें वो ऑप्शंस पास करने होते हैं जहाँ से रिक्वेस्ट आएंगी. तो ओरिजिन विच इज स्टार, स्टार का मतलब है कि सारी रिक्वेस्ट्स को अलाउ कर दो, राइट. सो अभी हम एक टेस्ट राउट बना लेते हैं. ऐप डॉट गेट टेस्ट स्लैश टेस्ट, देन इसको चाहिए रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और हम जेसन यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमें वी हैव टू यूज़ एक्सप्रेस जेसन. सो ऐप डॉट यूज़, दीज आर मिडलवेयर्स, राइट. सो कोर्स मिडलवेयर फॉर ओवरहेडिंग द क्रॉस ओरिजिन पॉलिसीज एंड हम यूज़ कर रहे हैं जेसन. तो एक्सप्रेस डॉट जेसन फॉर अलाउइंग टू कम्युनिकेट द क्लाइंट विथ जेसन ऑब्जेक्ट्स. सो हम एक जेसन रिटर्न कर पाएंगे which is success one, right. So ये test route को test करके देखते हैं by running the server node index. Server is running. Let's test this out on Postman. The test route. ठीक है, तो हमारा server भी सही चल रहा है. तो अभी राउट्स फोल्डर में एक फाइल है विच इज़ कॉल्ड ऑथ. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम एक्सप्रेस एंड कॉन्स्ट ऑथ राउटर, ऑथ राउटर विच इज़ इक्वल्स टू एक्सप्रेस राउटर. तो हमारे पास एक इंस्टेंस आ चुका है राउटर का विच इज़ कॉल्ड ऑथ राउटर. ऑथ राउटर में हमें बनाना है एक पोस्ट टाइप का रिक्वेस्ट विच इज़ स्लैश साइन अप एंड हमें करना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऑथ राउटर, राइट, ताकि हम इसे पास कर सकें इन द इंडेक्स, राइट. So app.use api/auth एंड यहाँ पे हमें पास करना है auth router which is imported from route/auth.js. save it. now अब हम जहाँ पे auth router बना रहे थे वहाँ पे आ जाते हैं sign up पे. sign up को चाहिए request and response, राइट. तो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स साइनअप में हमें चाहिए साइनअप करने के लिए यूज़र नेम, नहीं, फुल नेम, राइट. फुल नेम पासवर्ड, ईमेल एंड प्रोफाइल पिक, राइट. प्रोफाइल पिक जो कि हमने निकाला है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से, ठीक है. तो वी नीड कनेक्शन को हमने एक्सपोर्ट नहीं किया तो लेट्स एक्सपोर्ट इट. एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कनेक्शन ताकि हम अलग अलग फाइल्स में अलग अलग जगह, लाइक जैसे ऑथ में हमें अगर कनेक्शन रिक्वेस्ट माननी हो डेटाबेस में, सो वी विल यूज़ कनेक्शन, from db.js, right? So अभी connection.query इंसर्ट करना है हमें, फुल नेम एंड ईमेल पासवर्ड है, यूज़र इंसर्ट करना है। तो यूज़र कहाँ इंसर्ट करेंगे? यूज़र हम इंसर्ट कर रहे होंगे अपनी टेबल में, एंड हमारी टेबल है विच इज़ इन द डेटाबेस, राइट? सो हमारा डेटाबेस ये रहा, एंड इंस्टाग्राम नाम के डेटाबेस में हमारे पास है एक यूज़र्स टेबल विच इज़ हैविंग आईडी, ऑटो इंक्रीमेंट, राइट, फुल नेम which is varchar, email varchar, everything cannot be null, right? Profile पे can be null, right? Profile पे null हो सकता है, ठीक है? Like profile पे तुम user के user page से भी update कर पाओगे। So अभी query क्या होगी? Insert into users, क्या ये users ही है? Yes, users। यूज़र्स में हमें इंसर्ट करना है फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, एंड पासवर्ड को हम क्या कर रहे होंगे? पासवर्ड को कर रहे होंगे bcrypt, क्योंकि तुम डायरेक्टली पासवर्ड सेव नहीं करना चाहोगे, विच गिव्स अस अ प्रॉमिस। सो we have to specify this function as async, ठीक है? तो एक async function के अंदर we will encrypt the password, import bcrypt from bcrypt, right? अब bcrypt से हम इस password variable को dot hash कर रहे होंगे, like 10 times, और यू कैन स्पेसिफाई एनी नंबर ऑफ योर चॉइस, लाइक जितना बड़ा नंबर स्पेसिफाई करोगे उतने ज़्यादा राउंड्स ऑफ में वो सॉल्व करेगा उसको, ठीक है? तो पासवर्ड, ठीक है, कनेक्शन डॉट क्वेरी, ईमेल, पासवर्ड, फुल नेम एंड प्रोफाइल पे, देन वैल्यूज, एंड वैल्यूज में देयर विल बी क्वेश्चन मार्क्स, and these question marks denote the values of your columns. So इन question marks की value कैसे मिलेगी? Function को हम question marks की value specify करने के लिए pass कर रहे होंगे same sequence में, जिस sequence में हमने columns specify किए हैं, full name, email, देन हमें चाहिए पासवर्ड, देन हमें चाहिए प्रोफाइल पिक, राइट? देन इसके बाद हमें एक फंक्शन के अंदर एरर एंड रिजल्ट मिलता है, ठीक है? तो जब हमें रिजल्ट मिलता है तो वी हैव टू चेक इफ, अगर एरर है तो हम करेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन एरर विथ एरर डॉट मैसेज एंड सक्सेस विथ 0, एल्स if result, ठीक है? तो अगर रिजल्ट में कुछ आया, राइट? अगर रिजल्ट में कुछ आया है विच इज़ रिजल्ट, अगर रिजल्ट में कुछ आया है तो तुम्हारा इंसर्शन हुआ है, राइट? इफ रिजल्ट, सो हम क्या करेंगे? अगर रिजल्ट में कुछ आया है तो यूज़र को जेसन दोबारा दे देंगे विथ ईमेल, फुल नेम, प्रोफाइल पिक, राइट? सो पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है, एंड हमने कर लिया है इंसर्ट। तो लेट्स ट्राई टू रन दिस। ठीक है, तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। लेट्स ट्राई टू रन द साइन अप राउट। साइन अप कैसे रन होगा? साइन अप रन होगा ऐसे api/auth/signup, जिसको हम फुल नेम, ईमेल एंड पासवर्ड पास करेंगे। सो क्वेरी वॉज एम्प्टी, रिजल्ट 0, एरर आया है। सो एरर में हम देखते हैं हमारे पास है इंसर्ट इनटू यूजर्स, राइट, कॉमा, ओके। सो हमने प्रोफाइल पिक पास नहीं की, एंड अगर हम अपना डेटाबेस चेकआउट करते हैं तो अगर हम प्रोफाइल पिक को देखें तो वो नल हो सकता है, राइट। तो हमारा अगर प्रोफाइल पिक नल हो सकता है तो सही है इंसर्शन। डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने देखा साइन अप, अगली वीडियो में हम देखेंगे लॉग इन। थैंक यू।